अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, साथ में घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक पहुंच सके। अच्छा व्यूवर्स, कुछ ऐसा होता है कि आज जितने भी यूट्यूबर्स हैं आजकल, सबके पास जो है अच्छा मोबाइल कैमरा और कंटेंट अच्छा होता है, तो मेरे पास इतना कोई खासा कंटेंट, कोई ख़ास कैमरा नहीं है, तो बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियोस आप लोगों को अगर अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को कम से कम लाइक, साथ में वॉच पूरा किया करें ताकि मुझे भी फ़ायदा हो। और आप लोगों से बस यही जो है उम्मीद है, और इंशाल्लाह आप लोग जो है वीडियोस देखेंगे और साथ में जो है वॉच पूरी करेंगे। कुछ दिन पहले मेरे दादा अबू का इंतकाल हो गया था, और हमारे यहाँ फिर हर जुमारात को 7 जुमारात तक जो है ख़त्म दिलवाते हैं। तो आज जुमारात थी, आज मैं काम पर भी नहीं गया, तो आज हमने अभी सुबह सुबह निकले हैं, मैं और चाचू सामान लेने के लिए, चाचू सामान लेने चले गए हैं और मैं जो है एक लकड़ियों का एक मन लेकर अभी मैं जा रहा हूँ। और क्योंकि हम देग बनाएंगे तो देग के जलाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल होगा। ये हमारा गांव है और बहुत ही सादा हिसाब से हमारा गांव है, हर लिहाज से घर सादा, लोग सादा, और देसी फसलें, देसी माहौल, सादा लोग। सर्दी है आज, लगता है कि मौसम जो है ना वो कि आज बहुत क्लियर है। गांव में छोटी सी सड़क और धूप भी निकलने वाली है, तकरीबन में से बहुत खूबसूरत व्यू है। फसलें बहुत सरसब्ज नज़र आ रही हैं और इस साइड से जो है बाइक का रास्ता है। इतनी सी जगह है और बाइक चलानी बहुत मुश्किल हो रही है। छुट्टी तो आज वैसे ही की है, चलो मैंने कहा नहा लिया जाए और इंशाल्लाह नहाने के बाद आपके साथ दोबारा रब्ता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो देग वाले हैं वो आ चुके हैं और वो देग बना रहे हैं, मैं काम से फ्री हो गया हूँ। हमारे देग वाले भाई ने देग जो है वो आग के ऊपर रख दी है, चूल्हे के ऊपर, और देग में जो है मसाले वगैरह डाल दिए उसने। और यहाँ पर जो है ये मसाले पड़े हुए हैं, हल्दी, अदरक, सब्ज़ मिर्चियाँ, टमाटर और साइड पर चिकन। बात